आप सभी को नमस्कार। आज हम भाषा के अंतर्गत लिपि के विषय में पढ़ेंगे। लिपि अंग्रेजी में इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है: हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है: देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लेखन व मुद्रण में एकरूपता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनि में एकरूपता है। अंग्रेजी भाषा में वर्तनी की समस्या को सुलझाने के लिए देवनागरी पर आधारित देवग्रीक लिपि प्रस्तावित की गई है। कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। तो अब आप जान गए होंगे कि लिपि क्या होती है, प्रमुख भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और चाहते हैं कि मैं आपके लिए नए वीडियो लाते रहें, तो इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।